ठीक है, और ये सब कैसे आया वो भी बनने के लिए चेक करेंगे क्या कहानी है स्टार्टिंग से। सबसे पहले डीसी सप्लाई में ही इसको लगा चेक करेंगे, इससे अंदाजा ये होगा कि बोर्ड पीसीबी में सप्लाई जा रही है कि नहीं, जैसे कुछ कंजप्शन होगा वो दिखाई देगा, अगर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं जा रही वो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है, या शॉर्ट आउट होगा वो भी इसमें नजर आ जाएगा। तो पहले इसको बंद कर लेता हूँ, अपने को ये वाला पीसीबी की जरूरत पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। पावर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, अभी कुछ भी जैसे पावर ही ऑन करता हूँ, देखना एम्पियर क्या ले रहा है वो। सीधा 1 एम्पियर के आसपास है ना, एक्चुअल में ये एम्पियर भी काफी ज्यादा है इसके हिसाब से। इस हार्ट डिस्क को इतना ज्यादा एम्पियर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसे चीज में पॉसिबल है कहीं पे कुछ हीटअप हो रहा होगा। एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हीट हो रहा है, यहाँ पे देख भी रहा है कुछ कुछ रेड जैसा हो गया समथिंग, है ना। अब इसको एक बार ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद फिर देखते हैं इसको ऑन करके पीसीबी को कि एक्चुअल में कौन सी चिप है, कैपेसिटर है, कॉइल है, क्या है पता नहीं। फिलहाल अब इसमें देखते हैं कि कुछ फिजिकल नजर आ रहा है क्या, तो कुछ फिजिकल नजर वैसे तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हीट अप कहाँ हो रहा था, यहाँ पे इस पोर्शन में हीट हो रहा था इसका। तो अगर ध्यान से देखेगा तो नीचे देखना ये काला पड़ गया है, मतलब जला वाला या शॉर्टिंग समथिंग टाइप का, है ना। कौन सा, ये वाला। एक बार और कन्फर्म कर लेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक चीज यूज करता हूँ इसको हीट अप को चेक करने के लिए। डायोड क्या है, शॉर्ट है ये। एक्चुअल में एक बार देख लेते हैं डायोड का एक साइड ग्राउंड और एक साइड अगर ये सप्लाई वाली होगी लाइन तो क्या होगा, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होगा। उस कंडीशन में हम कुछ पल के लिए चाहें तो उसको बिना लगाए भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करता हूँ शॉर्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट दिखा रहा है ना, दोनों का दोनों डायोड यहाँ पे शॉर्ट है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस डायोड को रिमूव करते हैं। देखते हैं शॉर्टिंग हट गया, कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा था वो भी हट गया, ये देख लेते हैं अभी भी शॉर्ट है कि नहीं, ये है अभी भी शॉर्ट, ये ठीक है। तो एक ही शॉर्ट है इसमें से और एक सही है, ठीक। तो फिलहाल इसका शॉर्टिंग हट गया, अब एक बार और चेक कर लेते हैं और कहीं पे कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है, ये मोटर ऐसी पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ध्यान देना एक्चुअल में क्या है। ये इधर का ये जो पिन दिख रहा है ये पूरे इसके डेटा वाले पिन है जो कि डायरेक्ट इसके माइक्रोप्रोसेसर के साथ में आके लगे हुए, ठीक है। ये रहा इसका सप्लाई वाला पिन। तो जनरली हमारा क्या होता है, लैपटॉप वाले हार्ड डिस्क में 5 वोल्ट, तो
दिया है इसमें कनेक्शन क्या 12 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों का दिया है, जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क वाले में उसमें होता है डेस्कटॉप में, तो ये कनेक्शन भी क्या है उसी का दिया हुआ है, लेकिन इसमें यूज क्या होता है केवल 5 वोल्ट है ना। तो ये 5 वोल्ट के साथ में ही ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन के तौर पर यहाँ पे ये वाला डायोड लगा हुआ था फ्यूज के जैसे मान ले, लेकिन फ्यूज क्या एक ही साथ लगे रहता है और डायोड क्या होता है ग्राउंड में और एक पॉजिटिव सप्लाई में, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि ये 5 वोल्ट वाला लाइन ही है जो कि यहाँ पे शॉर्ट था। अभी फिलहाल इसको लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा फ्यूज का लगा होना जरूरी नहीं है, बाकी चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट फॉर टेस्टिंग क्या करते हैं, एक बार इसको फिक्स करते हैं और इसको देखते हैं क्या ये हार्ड डिस्क अब नॉर्मल ऑन हुआ कि नहीं हुआ और डिटेक्शन वगैरह हुआ कि नहीं। ये किस केस में अपने को काम आ सकता है, जब कभी डेटा रिकवर करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा चला गया है, हार्ड डिस्क जरूरी नहीं क्योंकि हार्ड डिस्क उतना ज्यादा महंगा है नहीं, आपको जरूरी क्या है डेटा। तो उस कंडीशन में ऐसे फ्यूज को हटा करके अगर ऐसा कोई शॉर्टिंग वाला केस मिलता है तो बस पावर कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं एम्पियर क्या कंज्यूम कर रहा है, तो ये परफेक्टली अभी 300-200 समथिंग और यहाँ पे डिटेक्शन भी हो गया, सिस्टम से आवाज आया, देख लीजिए डेटा ओपन होना चालू हो गया, ये सारा ड्राइव है पूरा इसमें, ये भी पूरा इसके अंदर डेटा था है ना, ये सब हो गया ओपन, ये सब है, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन। अब इसको क्लोज करके एक बार इसका हार्ड डिस्क का हेल्थ स्टेटस भी चेक कर लेते हैं वो कैसा है। तो ध्यान देना ये वाली हार्ड डिस्क जो भी हम लोग लगाए हुए हैं और हेल्थ स्टेटस बोलोगे तो 99% है, मतलब चलने लायक है, अभी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस तो 100% है प्रॉपर है ना, तो चल सकता है, कुछ खास ज़्यादा डैमेज नहीं है। और हमारा डेटा बोलोगे तो ये सब उसका हार्ड डिस्क है, एक बार मैनेज में जाकर के भी दिखा देते हैं। ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे ड्राइव दिख रहा है GIJK, ठीक है, ये रहा GIJK और इनमें काफी सारा पूरा मूवी वगैरह समथिंग दिखाई दे रहा है जो कि भरा हुआ है, इसमें आते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा सब मूवी वगैरह दिखाई दे रहा है। ये हार्ड डिस्क है जो कि आज बनने के लिए आया था ना, सीगेट का 500 GB थी हार्ड डिस्क।